हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UGC नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर वन जनरल पेपर और पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको दोनों पेपर्स का यूनिट वन से लेकर टेंथ तक कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। YouTube पे डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। PDF नोट्स आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। दोनों पेपर्स के कंप्लीट सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। डेली मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है, वो टेलीग्राम चैनल भी होता है। जस्ट आपको करना क्या है, आपको PDFs के लिए और जो मॉक टेस्ट है उसके लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम UGC नेट कॉमर्स मेड इजी है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 140 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं यहाँ पे। YouTube चैनल पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन एंड 100% कवरेज है सिलेबस की, इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। सो जैसे कि बताया, आज आपको हमारे पेपर वन की क्लास है। हमने ऑलरेडी अपनी यूनिट वन कंप्लीट कर ली। यूनिट टू रिसर्च एप्टीट्यूड हमने स्टार्ट की हुई था, जिसमें हमने कल के सेशन में स्टेप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करेंगे थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग में फॉर्मेट और स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, आज के सेशन में अच्छे से इसको डिटेल में करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट हुए, लेट्स शिफ्ट ऑन पेज नंबर 101 के अप्रॉक्स हैं, जहाँ से ये स्टार्ट होगा। सो वेट प्रोसेस ऑफ, नहीं इससे भी पीछे ही है, ये सारा कुछ करना है आज हमने। हाँ, यहाँ से सो स्टार्ट करते हैं। देखो, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग ना, मतलब थीसिस हो गई, आपके डिसर्शंस हो गई, आर्टिकल्स हो गए, ये आपके ना रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर तो आप ना, अगर आप यू वांट टू बी अ PhD एस्पिरेंट, यानी आप नेट क्लियर करके आपका एम है कि आपने PhD डॉक्टरल डिग्री लेनी है, तो तब तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा क्या थीसिस होते हैं, क्या आर्टिकल राइटिंग होती है, उसमें फॉर्मेट और स्टाइल्स क्या होते हैं रेफरेंसिंग के। बेसिकली हमारा टॉपिक थीसिस और आर्टिकल राइटिंग का नहीं है, ज़्यादा हमारा फॉर्मेट और स्टाइल्स ऑफ रेफरिंग पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, जिसमें से पेपर आता है। देखो, जो थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग है ना, ये दोनों इतने इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं एक अकेडमिक और स्कॉलरली कम्युनिकेशन के। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, जब अगर मैं आपको एग्जांपल उठाऊँ, अगर कोई बच्चा PhD करता है, ठीक है, PhD में थीसिस किए जाते हैं। थीसिस क्यों किए जाते हैं, थीसिस का क्या मतलब है? वो PhD में आप करते हो रिसर्च, ठीक है, आप एक टॉपिक उठाओगे, उसके अकॉर्डिंग उस पर रिसर्च करोगे, उसमें पूरी उसकी एक थ्योरी डेवलप करोगे, आप अपनी फाइंडिंग्स दोगे, एक बुक बनाओगे, पूरा मतलब टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करोगे। जब आपने उस चीज़ को फॉर्मली कन्वे करना है कि आपने ये सारी चीज़ें कर दी, ये चीज़ें आई हैं, वो थीसिस की फॉर्म बन जाती है। मतलब इन शॉर्ट, जो थीसिस और आर्टिकल राइटिंग है ना, जब कोई अकेडमिक या स्कॉलरली बनता है, यानी जो स्कॉलर है, जिसने रिसर्च कैरी आउट किया, जो वो अपने रिसर्च को जब कम्युनिकेट करना चाहता है, वो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ थीसिस या आर्टिकल राइटिंग। यानी इन शॉर्ट, ये जो चीज़ें ना, ये रिसर्चर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी रिसर्च फाइंडिंग को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। देखो, उन्होंने अपना टाइम लगाया, उन्होंने अपना पैसा लगाया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, कितने सोर्सेज छांटे, बहुत डिटेल में रिसर्च किया, एट द एंड फिर जाके फाइंडिंग्स मिली है, तो उनको ड्यू इंपॉर्टेंस मिली, बहुत ज़रूरी है। सो कहीं ना कहीं थीसिस और आर्टिकल राइटिंग रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी अच्छे से जो उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनको प्रेजेंट कर पाएँ, थ्योरीज को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, और जो उनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया तक पहुंचा पाए, ठीक है। सो इसीलिए हम थीसिस और आर्टिकल राइटिंग को अच्छे से पढ़ते हैं। अब सबसे पहला आता है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का पर्पस क्या होता है? देखो, जो रेफरेंसिंग है ना, वो बहुत अलग अलग पर्पसेस को फुलफिल करती है थीसिस और आर्टिकल राइटिंग दोनों में, चाहे आपके थीसिस हो, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, और एक तीसरा और बता देता हूँ, जो चाहे आपकी डिसर्शन हो, ये तीनों चीज़ों में रेफरेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी बनती है। देखो, जो रेफरेंसिंग जब की जाती है, वो रिसर्चर को अलाउ करते हैं कि वो एक्नॉलेज कर पाए, मतलब वो तवज्जो दे पाए, वो इंपॉर्टेंस दे पाए जितने भी प्रीवियस स्कॉलर्स हैं, जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे होंगे उसे पर्टिकुलर टॉपिक को, क्वेश्चन को, या प्रॉब्लम को लेके, या फिनोमिना को लेके, वो डेमोंस्ट्रेट कर पाएगा कि वो कितनी डेप्थ तक रिसर्च उन्होंने किया, मतलब रिसर्च करते वक्त कितनी गहराई में वो गए हैं। एक क्लियर एविडेंस मिलेगा उनके क्लेम्स का,
समझ रही हो? मतलब देखो, नो डाउट आप सेकेंडरी डाटा पे भी रिलाई करोगे, ये तो हमने कल किया है, क्योंकि रिसर्च का सेकंड प्रोसेस ही इस चैप का यही मीन्स, मतलब रिसर्च के प्रोसेस का सेकंड मीन्स चैप यही है कि आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करना है, मतलब जो स्कॉलर्स ऑलरेडी रह चुके हैं, जो उन्होंने थ्योरीज दी हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनको तो आप इंक्लूड करोगे करोगे, उनको आप स्टडी करोगे करोगे, तो जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है ना, उसको आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ये चीज़ रेफरेंसिंग करेगी। और जब ये चीज़ होगी, ये चीज़ क्लियरली ये बताएगी कि मतलब जब आप किसी बंदे का काम यूज़ कर रहे हो, उसको ड्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसका आपका पूरा कंट्रीब्यूशन जो उसका स्कॉलर का रहा होगा वो सब कुछ आप कर रहे हो, उसकी डेप्थ बता रहे हो रिसर्च की, उसका एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो उनके क्लेम्स का, जब जब हम कोई क्रेडिबल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, जब हम उनको रेफरेंस रह देते हैं, जो रिसर्चर्स हैं ना वो अपने वर्क की क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी को इन्हेंस करते हैं। यानी कहना क्या चाहते हैं, देखो अगर आप अपने काम में दूसरों को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, तो ये चीज़ सीधा सीधा ये साबित कर रही है कि आपका काम इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है, क्रेडिबल है, रिलायबल है, उस पर डिपेंड किया जा सकता है। क्योंकि प्रेजेंट के टाइम में कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे को इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। सेकेंड मेजर पर्पस आता है अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। देखो रेफरेंसिंग रिसर्चर्स को हेल्प करते हैं कि वो प्लेगरिज्म को अवॉइड करेंगे। प्लेगरिज्म थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये एक ऐसा एक्ट है या जब आप किसी और बंदे के काम को अब उसके वर्क आइडियाज़ को या उसके वर्क को अपने नाम के अंदर प्रेजेंट कर देते हो, जिसे हम कॉपी पेस्ट का नाम दे सकते हैं सिंपल वे में, किसी और बंदे ने काम किया, उसका वर्क था, उसके आइडियाज़ थे, आपने उसका नाम बदल के अपना लगा के कर दिया, डैट इज़ द प्लेगरिज्म। और रेफरेंसिंग हेल्प करती रिसर्चर्स को कि वो प्लेगरिज्म को अवॉइड करें। जब आप ओरिजिनल सोर्स जो इन्फॉर्मेशन का था, यानी जिससे आपने इन्फॉर्मेशन उठाई या रिसर्च प्रोसेस के दौरान या जिससे आपको आइडिया मिला, जब उस बंदे को आप ड्यूली एक्नॉलेज करते हो, यानी रिसर्चर जब उसे पूरा पूरा क्रेडिट देता है, यानी ओरिजिनल ऑथर को बकायदा उसका क्रेडिट मिलता है कि भाई ये काम उस बंदे ने किया है, तब आप एथिकल और लीगल इश्यूज जो प्लेगरिज्म के रिलेटेड हो सकते हैं ना, उनसे बच जाओगे। क्योंकि आपने तो बिल्कुल बकायदा बताया कि भाई ये हमने चीज़ अगर उठाई है, ये उस बंदे का काम है, मेरा काम नहीं है। मतलब प्लेगरिज्म के कारण, देखो प्लेगरिज्म ऐसा इलीगल, वो एक इलीगल चीज़ है, सो आपको लीगल इश्यूज हो सकते हैं अगर आप किसी की कॉपी पेस्ट काम करते हो। तो सो अगर आप रेफरेंसिंग अच्छे से करते हो, प्लेगरिज्म तो अवॉइड होगा होगा, आप एथिकल और लीगल इश्यूज से भी बच जाओगे, ठीक है। थर्ड आता है कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग रिसर्च। रेफरेंसिंग अलाउ करती है रिसर्चर्स को कि वो सिचुएट कर पाएंगे वर्क को, अपने वर्क को एक एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में। देखो वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंस कर रहा ना, रेफरेंसिंग तो आप समझते हो ना, रेफरेंस यानी हम रेफरेंस दे रहे हैं, इसमें तो नहीं आपको कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक टर्म है, ठीक है। सो रिसर्च जो रेफरेंसिंग है वो रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि जो अब बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है ना, जो उन्होंने अब काम किया, वो उसको उस बॉडी ऑफ नॉलेज में सिचुएट कर पाए, फिट कर पाए। यानी जब आप रेफरेंसिंग करते हो रेलेवेंट लिटरेचर की, तो कहीं ना कहीं रिसर्चर्स डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि उनका जो काम हो रहा है, जो वो रिसर्च कर रही है, वो बन कैसे रहा, वो बिल्ड अप ऑन किस पे हो रहा है, क्या क्या उन्हें जब रिसर्च उन्होंने किया स्टार्ट, उनको चैलेंजेस फेस हुए हैं, वो अपने ही काम को, यानी रिसर्चर जब रेफरेंसिंग करता है, वो अपने ही काम को एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है। यानी जो रिसर्च उसने किया, जिस टॉपिक को लेके किया, जिस प्रॉब्लम को लेके किया, जिस फिनोमिना को या कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है सपोर्टिंग क्लेम्स एंड आर्गूमेंट्स। देखो जो जब रेफरेंसिंग की जाएगी, रेफरेंसिंग प्रोवाइड करेगी एविडेंस, यानी वो एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग का होगा, वो सपोर्ट करेगा क्लेम्स को, आर्ग्यूमेंट्स को और जो आपने हाइपोथेसिस बनाई। मतलब देखो रेफरेंसिंग में आप बहुत कुछ चीज़ें मेंशन कर देते हो, जब अच्छे से रेफरेंसिंग की जाती है ना, वो चीज़ एज अ एविडेंस, एज अ सपोर्ट सिस्टम आपके लिए ही काम करती है। यानी जो क्लेम्स आपने किए हैं वो उनको वैलिड ठहराएगी, आपकी आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करेगी, आपके हाइपोथेसिस जो टेस्ट किए हैं, चाहे वो नल है चाहे अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, यानी एम्पेरिकल एविडेंस, ऑल दो ठीक है आपने एम्पेरिकल एविडेंस को यूज़ करके हाइपोथेसिस टेस्ट किए होंगे, बट जो रेफरेंसिंग है वो खुद में एक एविडेंस सर्व करती है।
सो जब आप रेलिवेंट सोर्सेज जिनको यूज़ करके आपने डाटा कलेक्ट किया या एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थ्योरी को स्टडी किया, जब उनको साइट करते हो, तो रिसर्चर क्या शो करते हैं कि उनकी जो फाइंडिंग्स है ना वो ग्राउंडेड है एक इस्टेब्लिश थ्योरी को देखे। मतलब कि जो चीज़ आप रिसर्च में कर रहे हो, जो आपने फाइंडिंग्स दी है, वो कहीं ना कहीं उनका बेसिक ऑलरेडी इस्टेब्लिश थ्योरी है। मतलब आपने थ्योरी में कोई गैप उठाया, गैप को अच्छे से और डिटेल में किया, उस पर एक थ्योरी और फ्रेम कर दी। यानी कहीं ना कहीं एम्पिरिकल एविडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो कि आपका काम बहुत अच्छा किया हुआ है, और इवन एक्सपर्ट ओपिनियंस यूज़ की गई हैं आपके रिसर्च के प्रोसेस में। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। रेफरेंसिंग के कुछ स्टाइल्स हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। देखो, रेफरेंसिंग के अलग अलग स्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तो वैसे आपको पहले भी पता होगा, अब मैं अगेन बता रहा हूँ। ईच विद इट्स ओन रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर साइटिंग सोर्सेज। देखो, सिंपल वे में जितने रेफरेंसिंग के स्टाइल्स होंगे, यानी रेफरेंस हर एक स्टाइल की अपनी गाइडलाइंस होंगी, यानी उस स्टाइल की जो गाइडलाइंस बताएंगी कि आपको चीज़ें किस तरीके से अपने रिसर्च में साइट करनी है, मतलब प्रेजेंट करनी है। ठीक है, आपने सोर्सेज को किस तरीके से टेक्स्ट के अंदर साइट करना है, आपने बिब्लियोग्राफी कैसे क्रिएट करनी है, रेफरेंस लिस्ट आपकी किस टाइप से होनी चाहिए। सो जब आप देखो, आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि आपने अपने रिसर्च में रेफरेंसिंग का स्टाइल कौन सा यूज़ करना है। अब जो ये चॉइस है रेफरेंसिंग के स्टाइल के, ये डिपेंड करती है कि आपका डिसिप्लिन कौन सा है, आप फील्ड किस में रिसर्च कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन कौन सी मेथड्स को सजेस्ट करता है, या उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कौन से मेथड्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपकी जर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, उन फैक्टर्स को स्टडी करके फिर ही आप अपने रेफरेंसिंग स्टाइल को चूज़ करोगे। अगर मैं आपको कुछ कॉमन यूज मेथड बताऊँ, तो चार मेजर मेथड, जिनमें से अगर मैं ट्रूली बताऊँ तो पहले दो मेथड्स ही सबसे ज़्यादा आते हैं। वैसे तो चार हैं टोटल, उससे जो फर्स्ट टू हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आता है APA स्टाइल, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो APA स्टाइल है, इसे वाइडली यूज़ किया जाता है सोशल साइंसेस में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, और इसके जैसे अदर रिलेटेड फील्ड्स में। ठीक है, मतलब इस स्टाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ यहीं पर होता है। जो ये स्टाइल है ना, ये इम्फेसाइज करता है ऑथर, डेट, इन टेक्स्ट साइटेशंस। मतलब ऑथर पहले, फिर डेट, फिर उनके टेक्स्ट में साइटेशंस, और फिर रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ये स्टाइल का ये कहना है। इसके मैं आपको ना एग्जांपल्स भी दूंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ऑथर का नेम डालो, फिर उसका ईयर डालो, ठीक है, डेट डालो, फिर आप टेक्स्ट का मतलब जहाँ पे साइटेशन है उसका नंबर डालो, और जो आपकी रेफरेंस लिस्ट होगी ना वो बिल्कुल एंड पे होगी। सो इन शॉर्ट, जो ये APA स्टाइल है, ये पूरी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि जो जो रिसोर्सेज आपने यूज़ किए अपने रिसर्च के दौरान, अपने थीसिस या अपने आर्टिकल राइटिंग के दौरान, उनको साइट कैसे करना है, चाहे ये बुक्स में हो करना हो, चाहे ये आपने चीज़ जर्नल्स में करनी हो, चाहे आर्टिकल्स में करनी हो, चाहे वेबसाइट में करनी हो, या कहीं पे जहाँ पे आप अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हो, जहाँ पे आपने अपनी चीज़ों को साइटेशंस को प्रेजेंट करना है, वहाँ पे APA स्टाइल की गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपने APA स्टाइल चूज़ किया है टू साइट योर रेफरेंसेस। सेकेंड जो स्टाइल आता है वो आता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल, यानी MLA स्टाइल। अब जो ये MLA स्टाइल है, इसे कॉमनली ह्यूमैनिटीज़ में, लिटरेचर में या लैंग्वेजेस में, यानी ये इसके कॉमन प्रेफरेंसेस हैं जहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट, ठीक है, इसे ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर्स और लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली यूटिलाइज करता है पेरेंट एथिकल इनटेक्स्ट साइटेशंस को, यानी जो आपकी पेरेंट एथिकल इनटेक्स्ट साइटेशंस हैं या जो वर्क साइटेड पेज है, उनको इस ये इंपॉर्टेंस देता है, उनको ड्यू इंपॉर्टेंस मिलती है, सिग्निफिकेंस मिलती है, उनको ही यूज़ किया जाता है। यानी इन शॉर्ट, जो MLA स्टाइल है ना, ये भी गाइडलाइंस आपको डिटेल में प्रोवाइड करता है कि अगर आप MLA स्टाइल को फॉलो कर रहे हो तो आपने सोर्सेज को किस तरीके से साइट करना है, चाहे वो आपने उसको बुक्स में साइट करना हो, आर्टिकल्स में करना हो, पोइम्स में करना हो, प्लेस में करना हो, या जो भी आप लिटरेरी वर्क आप कैरी आउट कर रहे हो। तीसरा मेजर स्टाइल आता है शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, CMS। देखो, जो आपका CMS है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल है जो आपको गाइड करता है, जिस यानी आपको गाइडेंस ये मिलेगी आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है अलग अलग डिसिप्लिन्स में, चाहे वो हिस्ट्री हो सकती है, सोशल साइंस हो सकती है, फाइन आर्ट। देखो, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, इसको ये देखो, जब जो ये सब्जेक्ट्स हैं या डिसिप्लिन्स हैं,
इनमें ये कंपल्सरी है ना कि जो मैंने आपको बताया वहीं पे यूज़ होगी, ये प्रेफरेंसेस हैं। मतलब जैसे हम आप एपीए को सोशल साइंस में, साइकोलॉजी और एजुकेशन में कर सकते हो, एम जो आपका एमएलए है उसको ह्यूमैनिटीज लिटरेचर लैंग्वेज में। देखो आप कौन सा मर्जी, चाहे कौन सी मर्जी अपने डिसिप्लिन में यूज़ करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये तो जस्ट प्रेफरेंसेस है, इनको ज़्यादा यूज़ इनमें किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्टिक मत करना। सो जो आपका शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है, जो ये बींग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल, ये ऐसा गाइड है जिसे हर डिसिप्लिन में यूज़ किया जा सकता है, हर फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, खास करके हिस्ट्री होगी, सोशल साइंस हो गया, फाइन आर्ट्स। यानी ये ना दो सिस्टम्स आपको ऑफर करता है, दो डिफरेंट सिस्टम है साइटेशन के, यानी आप ये भी कह सकते हो टू डिफरेंट साइटेशन सिस्टम्स है। एक सिस्टम पहला है, यानी जो है वो है नोट्स एंड बिब्लियोग्राफिक सिस्टम। यानी आप इसमें क्या करते हो, जो आपका पहले ना दोनों सिस्टम्स के नाम समझो, पहला है नोट्स और बिब्लियोग्राफिक सिस्टम, दूसरा है ऑथर डेट सिस्टम। यानी दोनों में से कौन सा आप यूज़ कर सकते हो शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल में, ठीक है। यानी जो आपका नोट्स और बिब्लियोग्राफिक सिस्टम है, ये फुट नोट्स और एंड नोट्स को यूज़ करता है। यानी जो फुट नोट्स आप प्रोवाइड करते हो अपना कंटेंट कंप्लीट होने के बाद, नीचे फुट नोट्स या एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें बिब्लियोग्राफी भी दी जाती है, यानी कौन कौन सी वेबसाइट से, कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी बुक से मैटर उठाया गया है। ऑथर डेट सिस्टम में आप पेरेंट एथिकल इंटेक्स साइटेशंस और रेफरेंस लिस्ट यूज़ करते हो, यानी जो एमएलए स्टाइल की करेक्टरिस्टिक्स है, रेफरेंस लिस्ट भी आ गई और पेरेंट एथिकल इंटेक्स साइटेशंस भी आ गई, ठीक है। लास्ट आता है हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल। अब जो ये हार्वर्ड स्टाइल है, इसे वाइडली यूज़ किया जाता है साइंसेस में, सोशल साइंसेस में, बिजनेस में, ठीक है। सो वैसे बिजनेस का तो इसका नाम ही बता दें, जैसे आपको पता है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, मतलब काफ़ी चीज़ें रिलेटेड है बिजनेस से, सो हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइलिंग इज़ वन ऑफ देम। अब जो इसके फीचर है, ये फीचर करता है ऑथर डेट इंटेक्स साइटेशंस को, यानी पहले ऑथर फिर डेट, उसको इंटेक्स साइट करो, रेफरेंस लिस्ट यूज़ करो डॉक्यूमेंट के एंड पे, ठीक है। यानी जो हार्वर्ड स्टाइल है वो अगेन अपने अपनी अकॉर्डिंग जो उसकी गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करेगा कि आपने कौन से जो डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ किया है उसको कैसे साइट करोगे, चाहे बुक्स में करना हो, चाहे जर्नल्स में करना हो, रिपोर्ट्स में या वेबसाइट में, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, चारों स्टाइल्स हो गए, अब फॉर्मेट क्या है रेफरेंस का थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में। देखो जो आपके थीसिस और आर्टिकल राइटिंग है ना, ये ना एक से कहीं ना कहीं एक सिमिलर स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं, जो रेफरेंसिंग से ही आता है। मतलब चाहे आप थीसिस लिख रहे हो, चाहे आर्टिकल लिख रहे हो, इनका कहीं ना कहीं स्टाइल और स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जो अब फॉर्मेट, जो आपका फॉर्मेट है रेफरेंसिंग का, इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है इंटेक्स साइटेशन, दूसरी होती है रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी। देखो अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में इंटेक्स साइटेशन का बताऊँगा, जब आप अपने कॉन्टेंट यानी जो कॉन्टेक्स्ट आपने लिखा ना उसके बीच ही साथ के साथ साइट कर रहे हो चीज़ें, और जो रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी ये बिल्कुल एंड पे होता है, एक पेज लगा होता है दोनों का, यानी एक रेफरेंस का लगा लो चलो, एक बिब्लियोग्राफी का, ये बिल्कुल एंड पे चीज़ें होती हैं, ये चीज़ है इनका मतलब। मतलब कुछ मतलब मैं आपको बहुत हार्ड चीज़ नहीं करवा रहा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटेक्स साइटेशंस। देखो इंटेक्स साइटेशंस को यूज़ किया जाता है मेन बॉडी के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। यानी मेन बॉडी मतलब जहाँ पे आप थीसिस लिख रहे हो, यानी जो मेन कंटेंट है आपका, जो मेन आर्टिकल है, आप उसमें ही इंटेक्स साइटेशंस को यूज़ करते हो। ये इंडिकेट करते हैं कि व्हेन इंफॉर्मेशन और आइडिया हैव बीन सोर्स्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी आप इनका मुद्दा क्या है, इनको बीच में लिखने का इनका मुद्दा यही है कि जहाँ पे इनको यूज़ किया होगा इन टेक्स्ट में, मेन बॉडी में, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के टाइम पे, तब ये चीज़ ये दिखाती है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है या जो ये आइडिया लिख रहे हो आप, इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से उठाया गया है, चाहे वो किसी प्रीवियस स्कॉलर का काम हो, चाहे या कोई मतलब कोई रिसर्चर का काम हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो इंटेक्स साइटेशंस है, इसमें टिपिकली ऑथर का लास्ट नेम ज़रूर आता है, यानी ऑथर का लास्ट नेम हो गया, उसने किस ईयर में पब्लिश किया था, और इवन इसमें पेज नंबर्स आते हैं अगर आपने डायरेक्ट कोटेशंस किए हैं, ठीक है। सो जो डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं, वो उन हर रेफरेंसिंग स्टाइल के अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं फॉर्मेटिंग के इंटेक्स साइटेशन को। मतलब जो रेफरेंसिंग स्टाइल आप यूज़ कर रहे हो उसका अपना तरीका होगा कि उसने इंटेक्स साइटेशंस करनी किस तरीके से है। यानी आपने पेरेंट थीसिस यूज़ करने हैं, फुट नोट्स यूज़ करने हैं, या सुपरस्क्रिप्ट नंबर्स यूज़ करने हैं, ये आपको रेफरेंसिंग स्टाइल बताएगा कि आपका फॉर्मेट क्या होगा जब आप उस स्टाइल को यूज़ करके थीसिस लिख रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है।
सेकेंड मेजर कंपोनेंट आता है या फॉर्म जो आपके फॉर्मेट है रेफरेंसिंग, उसका सेकेंड मेजर कंपोनेंट है एक रेफरेंस लिस्ट बनानी या बिब्लियोग्राफी बनानी। देखो जो रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी है इसे इंक्लूड करना होता है हमने थीसिस या आर्टिकल के बिल्कुल एंड में। ये आपको पूरी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी सारे के सारे रिसोर्सेज जहाँ से आपने टेक्स्ट साइट किया, मतलब वो कौन सा मर्जी सोर्स हो वो रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी में मेंशन होता ही होता है। मतलब आप पेज के हर पेज पे नहीं लिखते कि ये चीज़ यहाँ पे, जैसे इंटेक्स साइटेशंस होते हैं ना वो तो हर पेज में आ जाती हैं, बिब्लियोग्राफी हर पेज पे नहीं आती, रेफरेंस लिस्ट हर पेज में नहीं आती। बिल्कुल आप थीसिस और जो आपका आर्टिकल है उसके एंड पेज में सब कुछ एक बार में ही मेंशन कर देते हो, ठीक है। सो जो रेफरेंस लिस्ट है ये इसे अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे ऑथर्स लास्ट नेम आ गया या टाइटल ऑफ वर्क हो गया, ये डिपेंड करता। मतलब देखो आपने दो ही चीज़ें ले सकते हो, या तो ऑथर का नेम ले लो या टाइटल ऑफ वर्क, मतलब अलग और भी चीज़ें होती हैं इसमें, बट ये चीज़ डिपेंड करती है आपने रेफरेंस स्टाइल कौन सा चुना है, यानी जो हर एक एंट्री रेफरेंस लिस्ट में होगी। मतलब जितनी जितनी आप एंट्री से बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस लिस्ट में डालोगे उसमें ऐसी ही इंफॉर्मेशन होगी, यानी ऑथर का क्या नेम था, पब्लिक उसने किस ईयर में ये काम को पब्लिश किया था, उसका टाइटल क्या था वर्क का, और या उसकी पब्लिकेशन डिटेल्स होगी। अब जो आपका फॉर्मेट और पंचुएशन रहेगी रेफरेंस लिस्ट की एंट्रीज की वो भी वेरी कर सकती है, क्योंकि वो जो आपका फॉर्मेट और पंचुएशन होती है ना रेफरेंस लिस्ट की वो डिपेंड करती है कि आपने रेफरेंस स्टाइल कौन सा चुना, यानी जितने अलग अलग स्टाइल्स होंगे उतनी टाइप्स की ये चीज़ें होंगी। अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल्स। अब देखो थ्योरेटिकल तो मैंने आपको समझा दिया, अब देखो ये चीज़ें मेंशन कैसे होती हैं। सबसे पहले स्क्रीन चेक करो, आपको स्क्रीन पर देख के ही समझ आएगा अच्छे से। वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आता है APS चाहिए, यानी हमारा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन चाहिए। देखो जो इसमें इनटेक्स साइटेशन होगी उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ऑथर का लास्ट नेम आएगा, कॉमा उसका पब्लिकेशन ईयर आएगा, फिर आएगा पेज नंबर और ब्रैकेट क्लोज, ये ऐसे ही होगी इनटेक्स साइटेशन। अगर मैं आपको बुक में करके बताऊँ तो जैसे लिखा होगा स्मिथ, एक हमारा एडम स्मिथ ही लगा लो फॉर एग्जाम्पल, बींग हमारे रिनाउंड ऑथर है, उनका लास्ट नेम हो गया, उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2019, आर्ग्यूज चैट, इस तरीके से हम इसको बुक में मेंशन करेंगे। अगर हम जर्नल आर्टिकल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन लास्ट नेम ऑफ ऑथर ब्रैकेट में पब्लिशिंग ईयर और देन कंटिन्यूड। अगर हमने वेबसाइट में करना था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ब्रैकेट में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ ईयर ऑफ पब्लिकेशन डेट्स, यानी ये होगी मैंने बुक में जर्नल में और वेबसाइट तीनों में बताती इंटेक्स साइटेशन अगर आप APS स्टाइल को फॉलो करते हो। और अगर तो आपने रेफरेंस लिस्ट एंट्री करनी है तो वो कैसे होगी, अगर तो आप बुक में कर रहे हो पहले ऑथर का लास्ट नेम आएगा, ठीक है, फिर उसका जो इनिशियल है फर्स्ट इनिशियल यानी जो नाम का फर्स्ट इनिशियल वो आ जाएगा, फिर ईयर आएगा, उसके बाद आएगा टाइटल क्या था बुक, और उसके बाद आएगा पब्लिशर। अगर आपने जर्नल में करनी है तो फर्स्ट पहले ऑथर का लास्ट नेम, फिर उसका फर्स्ट इनिशियल नेम का, फिर ईयर पब्लिकेशन का, फिर टाइटल आ गया आर्टिकल का, फिर जर्नल का नेम आएगा किस जर्नल में वो पब्लिश किया गया, वॉल्यूम आएगी कौन सी वॉल्यूम है, किस ईयर में इशू की गई या उसके पेज रेंज क्या है, ठीक है। और अगर रेफरेंस लिस्ट एंट्री वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो तो ऑथर का लास्ट नेम पहले, फिर उसका फर्स्ट इनिशियल, पब्लिशिंग ईयर आ गया, टाइटल आ जाएगा वेब पेज का, वेबसाइट का नेम और URL। सो ये है APS स्टाइल का फॉर्मेट, उसकी एग्जाम्पल। आगे आता है हमारे पास MLA स्टाइल, यानी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल। इसमें सबसे पहले जब इनटेक्स्ट साइटेशंस होंगी तो ऑथर का लास्ट नेम, फिर पेज नंबर, ठीक है, और उसके बाद अगर बुक में कर रहे हो तो पहले कैसे लिखा जाएगा, एज स्टेटेड बाय स्मिथ लास्ट नेम ऑथर का और उसका पेज नंबर हो गया। जर्नल में कर रहे हो तो जॉनसन्स आर्ग्यूज चैट, ठीक है। अगर वेबसाइट में कर रहे हो तो द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ। आप कंपेयर कर सकते हो, देखो MLA में अगर हम सेम चीज़ चेक करें तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नेशनल इंस्टीट्यूट, अगर आप AP में चेक करो तो अगर मैं ये थी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, बस थोड़ा सा ही फर्क है, उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगर हम वर्क साइटेड एंट्री चेक करें तो अगर आपने बुक में देखें तो पहले ऑथर का लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर टाइटल आ जाएगा बुक का क्या था, पब्लिशर कौन है, उसका ईयर किस में पब्लिश हुई है। अगर जर्नल आर्टिकल की मैं बात करूँ तो ऑथर का लास्ट नेम,
फिर फर्स्ट नेम उसका, फिर टाइटल आर्टिकल का, फिर जर्नल का नेम, किस वॉल्यूम में पब्लिश हुआ, वॉल्यूम का नंबर, उसका इशू नंबर क्या है, वो किस ईयर में इशू हुआ, पेज रेंज कौन सी पे होगा, और लास्ट में अगर हम वेबसाइट की बात करें तो ऑथर का लास्ट नेम आ गया, फिर उसका फर्स्ट नेम आएगा, फिर उसका टाइटल आ जाएगा वेब पेज के, वेबसाइट का नेम आ जाएगा, यूआरएल अगर अवेलेबल हुआ तो। ये तो थे मेजर टू स्टार, और बाकी जो आपका शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है या हार्वर्ड रेफरेंस चाहिए, वैसे ये तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख लो, सेम तरीके से इनकी फुटनोट साइटेशंस होगी, यानी पहले ऑथर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल ऑफ बुक आ गया, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर, पेज नंबर आ गया। सेम वे में फिर बुक में जेन स्मिथ, मान लो अगर ऑथर्स हैं हमारे, टाइटल ऑफ बुक हो गया न्यूयॉर्क, पब्लिशर था 2019-25। आप एक बार इसको स्टडी कर लेना, ये इतने खास नहीं है, इसको पेपर ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे यूजर्स के नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बीइंग वैसे ये स्टाइल से मतलब आपको नॉलेज में होने चाहिए कि इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है, इसी कारण मैंने आपको ये डिटेल में एक बार करवा दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ये आप एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट हुआ तो पूछ लो। अब लास्ट आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी। अब एक ना चीज़ याद रखना, देखो जब भी आप रेफरेंसिंग स्टाइल चूज़ करोगे, तब ना आपको जो आपके जहाँ पे आप अपने थीसिस या आर्टिकल जिस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको उनको पूरा करना होता है। सो आपका स्टाइल की मतलब कौन सा आप स्टाइल चूज़ोगे, ये डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कौन से रेफरेंसिंग स्टाइल को प्रेफरेंस दे रहा है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कौन सा स्टाइल उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। सो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब आती है कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी की इम्पॉर्टेंस क्या है। देखो जो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी रेफरेंसिंग में होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अगर आप अपने थीसिस और आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी बनाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके काम को इम्पोर्टेंस मिले, वो कंसिस्टेंट रहे, उसमें चेंजेस ना आए, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो तब आपको रेफरेंसिंग करते टाइम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आती है कंसिस्टेंसी। देखो आपको कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट रैपिडली सेम फॉर्मेटिंग या स्टाइल्स को पूरी डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है, मेंटेन करना है। आप ये नहीं कर सकते हो कि अगर आपने स्टार्टिंग में APA स्टाइल फॉलो कर दिया तो बाद में आप MLA कर रहे हो, ये चीज़ नहीं होगी। जो एक बार थीसिस में स्टार्ट हो गया या आर्टिकल में रेफरेंसिंग स्टाइल यूज़ हो गया, वो ही पूरे आपके काम में कंटिन्यू चलेगा कंसिस्टेंस भी में। यानी अगर आप सेम रेफरेंसिंग स्टाइल को यूज़ करते हो हर साइटेशन के लिए, तो ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो आपका फॉर्मेट है इंडेक्स साइटेशन का, जो रेफरेंस लिस्ट की एंट्रीज है, वो आपके स्टाइल के साथ, जो आपका चूजन स्टाइल है उसके साथ ही मैच खाती है, और ये एक ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी की बहुत अच्छी निशानी है। आगे आता है एक्यूरेसी। आपको हर जितनी भी आपने रेफरेंसेस की हैं उनकी एक्यूरेसी को डबल चेक करना पड़ेगा। यानी आपने जिस बंदे का काम उठाया, आपने उसी बंदे का नाम लिखना है, उसका ही साइटेशन देनी है। मतलब ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, 101% ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको ऑथर के नाम दो दो बार चेक करो, पब्लिकेशन डेट चेक करो, टाइटल देखो, पेज नंबर, यानी गलती की तो गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आपकी कोई मिस्टेक या इनएक्यूरेसी हो जाती है रेफरेंसिंग में, तो वो आपके पूरे के पूरे रिसर्च के काम को, वर्क को अंडरमाइन कर देगी, वो सीधा की सीधा आपकी क्रेडिबिलिटी पे वार करेगी। मतलब आप अपने काम को ऑथेंटिक नहीं कह पाओगे, रिलायबल या क्रेडिबल नहीं कह पाओगे। सो गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में। तीसरा, कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जितनी मर्जी गहराई, मतलब जितनी मर्जी अमाउंट की इन्फॉर्मेशन नेसेसरी, मतलब नेसेसरी है तो नेसेसरी है, वो आपको रेफरेंस लिस्ट में एंट्रीज की फॉर्म में डालनी ही पड़ेगी। यानी ये चीज़ कहना कि रीडर्स को इनेबल करती है कि वो साइटेड रिसोर्सेज को लोकेट कर पाएंगे। मतलब कोई अगर बंदा चाहे, अगर आपने साइटेशन दिया तो वो आपके साइटेशंस को उठा के वो उसका ओरिजिनल स्कॉलर का काम देख सकता है। सो आपको जितने भी आपके रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि कोई भी मिसिंग तो नहीं है। यानी अगर आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो करेक्ट है ना, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, जैसे ऑथर के नेम हो गया, पब्लिकेशन ईयर, टाइटल, सोर्स हो गया, ये सारा कुछ एक्यूरेटली आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ आता है क्रॉस चेक। यानी आपको क्रॉस चेक करनी है जो आपकी इंडेक्स साइटेशंस है विद रेफरेंस लिस्ट।
ताकि आप इंश्योर कर सको कि जितने भी आपने सोर्सेज साइट किए हैं उनकी सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज रेफरेंस लिस्ट में है। देखो इन टेक्स्ट साइटेशंस को रेफरेंस लिस्ट के साथ आपको मैच करना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपने इन टेक्स्ट साइटेशंस दे दी बट वो रेफरेंस लिस्ट में नहीं है, या आपने रेफरेंस लिस्ट में दे दी वो इन टेक्स्ट साइटेशंस नहीं आई। सो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनकी होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है, आपको क्रॉस चेक करना है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ साइटेशन मैनेजमेंट टूल्स। आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आप साइटेशन मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करोगे, एंड नोट्स हो सकते हैं, मेंडेलिए हो सकता है, जोटेरो हो सकता है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। ये तो सिंपल मैंने तीन एग्जांपल्स बताई ताजो आप अपने रेफरेंसेस को फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज कर सको अच्छे से। सो जो ये टूल्स हैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने पूरे रेफरेंसिंग को प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सको। देखो रेफरेंसिंग का प्रोसेस कोई ईजी काम नहीं है, बहुत डिटेल में करना पड़ता है, ये तो वो चीज़ है मतलब कि चुन चुन के आपको काम करना पड़ेगा, बहुत अपना दिमाग कान आँख सारे खोल के। सो ये आपको टूल्स हेल्प करते हैं कि आप अपने रेफरेंसिंग के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सको, उसमें कंसिस्टेंसी इंश्योर कर सको, और जो आपकी साइटेशंस आप जनरेट कर रहे हो, जो रेफरेंस लिस्ट जनरेट कर रहे हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी। और लास्ट इसमें आता है स्टे अपडेटेड, यानी स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट एडिशंस ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल्स। देखो रेफरेंसिंग स्टाइल्स में अपडेट्स आते रहते हैं क्योंकि उनको लेके भी रिसर्च होता है। सो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि जो भी अगर रेफरेंसिंग स्टाइल में चेंज आ रहा है या अगर कोई न्यू स्टाइल बन रहा है आपने उसको यूज़ करना है, तो आपको पूरी डिटेल में पता होना चाहिए कि उसमें गाइडलाइंस क्या है। अगर आपका रेफरेंस स्टाइल अपडेटेड हो गया बट अब कोई न्यू चीज़ आ गई उसने अपडेट कर लिया, आपको भी वो चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी। सो मोस्ट रिसेंट गाइडलाइंस जो होती हैं, जो रेफरेंस स्टाइल्स के रिगार्डिंग इशू होती है, आपको उनके साथ अधियर करना पड़ेगा ताकि आप करंट स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस को मेंटेन कर पाओ। सो यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊँ तो जो रेफरेंसिंग है एक इतना वाइटल रोल प्ले करती है ना थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में कि ये कहीं ना कहीं रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि वो जो उन्होंने दूसरे बंदों का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो प्रीवियस स्कॉलर्स है उनको वो अच्छे से एक्नॉलेज कर पाए, प्लेगरिज्म अवॉइड कर पाए, क्योंकि प्लेगरिज्म इसका इल्लीगल थिंग, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं उनके क्लेम्स का, कॉन्टेक्चुलाइज करते हैं उनका रिसर्च एक एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में, उसमें सिचुएट करती है। सो जो डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं जैसे APA हो गया, MLA हो गया, शिकागो या हार्वर्ड, इन सभी के अपने रूल्स हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक रूल्स होते हैं इन टेक्स्ट साइटेशंस के लिए या रेफरेंस लिस्ट एंट्री के लिए। सो इनके गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और आप अपना ध्यान से स्टाइल चूज़ करो, और अगर आपने एक बार स्टाइल चूज़ कर लिया तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो, एक्यूरेसी बनी रहनी चाहिए रेफरेंसिंग में, तभी आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी बनी रहेगी। सो जब आप प्रॉपर रेफरेंसिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हो तो इससे रिसर्चर्स ये चीज़ दिखाते हैं कि वो स्कॉलरली कम्युनिटी में अच्छे के साथ इंगेज है, मतलब वो कोई भी काम हटके नहीं करें, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं उनको ड्यू फॉलो किया जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपने फील्ड में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। आज का हम सेशन अब करते हैं माइंड अप। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस पे, डेली क्विज भी चल रहे हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। आज करते हैं फिर सेशन माइंड अप। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड। कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।